मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा वर्चुअल माध्यम से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में स्थापित होने वाले ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और सोलन से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रमेश चौहान सहित स्टाफ ने रिबन काट कर ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया, तो वहीं उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने अपने कार्यालय परिसर से ही कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने बताया कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के प्रयासों से ऑक्सीजन प्लांट की सामग्री पहुंच गई थी और अगर तीसरी कोविड लहर में मामले बढ़ते हैं तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में कोविड के तहत बच्चों का वार्ड तैयार किया जा रहा है, जिसमें इस ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति स्थापित की जाएगी। जो है माननीय एमओएस फाइनेंस महोदय द्वारा एक 140 लीटर पर मिनट के कैपेसिटी का एक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की मशीनरी जो है वो उनके द्वारा प्राप्त की गई है हमारे लिए, और वो हाल ही में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में पहुँच चुका है और उसका काम करवा के जल्दी वो स्थापित कर दिया जाएगा। इससे इसको अभी फिलहाल ऐसे प्लान किया जा रहा है कि जो हमारे अपकमिंग थर्ड वेव में अगर संभावित रूप से केसेस बढ़ते हैं फिर से, उसकी तैयारी में जो है हम सभी जुटे हैं, तो उसी कड़ी में हम इसको हमारे मेडिकल कॉलेज का पीडियाट्रिक्स वार्ड का विस्तारीकरण करना हमारा पहले प्राथमिकता है थर्ड वेव के मद्देनज़र, और इसके लिए जो है हम वहाँ पे इस प्लांट की जो है सुविधाएं भी उसी पीडियाट्रिक्स वार्ड में जो है वो स्थापित करेंगे, ताकि कई सारे जितने बेड्स पॉसिबल हैं वो उस पीडियाट्रिक्स वार्ड में ऑक्सीजनेटेड बन पाए और इस प्लांट के और ऑक्सीजन की सुविधा जो है कुछ डेडिकेटेड बेड्स को जो है हम अपने विस्तारीकरण के प्रोसेस में पीडियाट्रिक्स वार्ड में दे पाए। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के निजी प्रयासों से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 140 LPM का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसकी सामग्री अहमदाबाद से गत सप्ताह ही मेडिकल कॉलेज पहुंच गई थी और इसका इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो जाएगा। इस प्लांट के लगने से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर दो ऑक्सीजन प्लांट लोगों की सेवा के लिए मौजूद होंगे और हमीरपुर जिला में मरीजों को ऑक्सीजन की निर्भरता से छुटकारा मिलेगा।